NS200 ये सिर्फ एक बाइक नहीं है, एक इमोशन है। इमोशन वाई? बिकॉज ये पल्सर की फैमिली को बिलोंग करता है, साथ साथ में NS200 बिकॉज ऑफ इट्स परफॉर्मेंस, बिकॉज ऑफ इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस, राइडिंग एक्सपीरियंस जो देती है वो अमेजिंग है। एंड येस, दैट इज़ द रीज़न वाई बजाज ने इसको फिर से रिलॉन्च किया, अपडेट करके लॉन्च किया इस बार 2023 में। सो इसका वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी नीतीश नियो। व्हाट्सअप, कैसे हो, कसका एंड नमस्कार है दीरा। आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे हो। एंड आज मेरे पीछे 2023 का बजाज पल्सर NS200, आज हम करते हैं इसका एक वॉक अराउंड एंड राइड रिव्यू। सो इसका अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, देन लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दो। एंड यस गाइस, ये जो वीडियो है इसको व्हाट्सएप एंड फेसबुक पे आप शेयर कर दो तुरंत। इसका लेट्स गो टुवर्ड्स द बाइक एंड एक्सप्लोर करते हैं इस ब्यूटी को। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये जो बाइक है इसमें आपको मिलती है दो कलर्स, एक मिलता है वाइट, दूसरा आपको मिलता है ब्लैक। इसमें प्राइसिंग जो है ऑलमोस्ट 7,000 रुपये से इसका प्राइसिंग इंक्रीज़ हो चुका है। अभी एट द पॉइंट इट कॉस्ट यू 1.47 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम हियर इन पुणे। ये बात करते हुए गाइस बाइक में क्या चेंजेस हुए हम बात करते हैं, फटाफट आपको बता देता हूँ। सो गाइस, सामने का जो डिस्क है, दिस इज़ नॉट अ पेडल डिस्क नाउ, इट इज़ अ नॉर्मल राउंडेड रोटर। लेकिन आपको मिलते हैं ग्रिमेका के कैलिपर्स आपको मिलते हैं। सो अमेजिंग ब्रेक पाइट है इसका। एंड ग्रिमेका के है 12-piston 4-piston कैलिपर ऑन द फ्रंट। एंड यहाँ पर मिलता है अपसाइड डाउन फोक्स हियर। 33mm के आपको यहाँ पे USD फोक्स मिल जाते हैं आपको। साथ में और क्या चेंज हुआ है इसमें, यहाँ पे आपको मिलता है कार्बन फाइबर फिनिश के आपको फेंडर मिल जाता है। गाड़ी की जो एलॉयज़ है, ये जो है लाइटर एलॉयज़ मिलते हैं। अभी आपको N250 की एलॉयज़ आपको इस बाइक में ऐड हो चुकी है, विच इज़ अमेजिंग। साथ में पीछे का जो है अभी आपको मिलता है डुअल चैनल ABS ऑन अ मोटरसाइकिल। एंड बाइक के पीछे आपको मिलता है ट्विन पिस्टन कैलिपर, ग्रिमेका के कैलिपर्स आपको मिल जाते हैं। साथ में और क्या चेंज हुआ है आपको बता देता हूँ कुछ ही सेकंड्स में। बट या, गाड़ी की जो वेट है ऑलमोस्ट 3 kg से कम हो चुका है इस बाइक का, दैट इज़ अमेजिंग नाउ। एंड ये बात करते हुए गाड़ी का जो सामने का जो कंसोल है, दिस इज़ अ न्यू कंसोल नाउ। मतलब इसमें आपको मिलती है गियर पोजिशन इंडिकेटर, फिर आपको मिलती है एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी आपको मिल जाती है। एंड देन साथ में आपको मिलती है DT, दैट इज़ डिस्टेंस टू एम्प्टी आपको मिल जाती है। एंड देन यू हैव द रेगुलर सेट ऑफ थिंग्स हियर ऑन द मोटरसाइकिल। इसका ये बात करते हैं, गो टुवर्ड्स द वॉक अराउंड। आपको अपडेट्स तो बता रही है लेकिन वॉक अराउंड तो करना बनता है बॉस। तो यस, लेट्स गो टुवर्ड्स द वॉक अराउंड। तो सामने आपको मिलता है MRF के नायलो ग्रिप के आपको टायर्स मिलते हैं, जैपर FY2 टायर्स हैं यहाँ पे। 100/80 सेकेंड के आपको टायर मिलते हैं, 17 इंच के हैं। दीज आर नॉट R17 दो, 52p इज द स्पीड एंड रोटेटिंग ऑन द मोटरसाइकिल। 300mm के आपको सामने डिस्क मिलता है। एंड ग्रिमेका के कैलिपर्स आपको बता रही है, अपसाइड डाउन फोक्स, डुअल चैनल ABS। हेडलाइट जो है दिस इज हैलोजन, दिस शुड हैव बीन अ प्रोजेक्टर हेडलाइट इज व्हाट आई फील। एचडी हो सकता था जस्ट लाइक दैट ऑफ N250 मुझे लग रहा है। लेकिन अगर वो लॉन्च करते तो यार उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है, राइट? तो थोड़ा बहुत डिफरेंस रखने के किया है, बट एटलीस्ट ये चेंज होना चाहिए था। अभी आपको मिलते हैं हैलोजन के आपको मिल जाते हैं। सो दिस कुड हैव बीन एचडी इज व्हाट आई फील। गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है इट इज़ ऑफ 168 mm हियर। गाड़ी की जो सीट हाइट है इट इज़ 807 mm। साथ में गाड़ी का जो वेट है गाइज इट इज़ 158 kgs ऑफ दिस मोटरसाइकिल। मतलब ऑलमोस्ट कम हो चुका है वेट, 3 kg से कम हो चुका है, विच इज़ अमेजिंग नाउ। साइड स्टैंड मिलता है, 6-speed गियरबॉक्स ऑन द मोटरसाइकिल, क्रैश गार्ड्स हैं यहाँ पे, दिस गेट्स अ लिक्विड कूलिंग इंजन, बात करता हूँ उसके बारे में कुछ ही देर में। देन यू हैव बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म हियर, दैट्स द केस ऑफ कॉस्ट कटिंग अगेन, बट यार ठीक है। सारी गार्ड आपको मिलती है, ब्यूटीफुल ग्रैब रेल्स हियर, द पल्सर ग्रैब रेल्स। टेल लाइट अगेन यू गेट दिस एचडी ट्विन टेल लाइट हियर ऑन द रियर, इंडिकेटर्स आर एल्यूजन। देन यहाँ पे मिलती है आपको टायर हगो। एंड देन पीछे का जो टायर है दिस इज़ 130/70 सेक्शन का आपको टायर मिलता है, नायलो ग्रिप जैपर टायर है यहाँ पे। एंड इट इज़ 62p इज़ द स्पीड एंड रोटेटिंग ऑन द मोटरसाइकिल। दिस इज़ नॉट R17, दिस शुड हैव बीन R17 इज़ व्हाट आई फील। देन एक और चीज़ है गाड़ी की जो इंजन, दिस हियर इज़ अ 200cc लिक्विड कूल्ड इंजन, ट्रिपल स्पार्क इंजन नेम, एडमिटेड टू अ 6-speed गियर बॉक्स। साथ में गाड़ी जो है दिस प्रोड्यूस 24.5 PS ऑफ पावर एंड 18.7 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। साथ में अंडरबेज एग्जॉस्ट आपको मिल जाती है, 12 लीटर की टैंक है। और सीट हाइट जो है 807 है, तो अगर आपकी हाइट 5'5" 5'6" है तो आपको टिप टो करना पड़ेगा, लेकिन 5'8" है तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा ये। एंड यहाँ पे आपको मिलती है रिफ्लेक्टिव मटेरियल मिलती है जो रात को ये चमकती है, दैट इज़ रियली नाइस। एंड देन यहाँ पे आपको मिलती है हैंडल बार जो है, दिस इज़ अ क्लिप-ऑन हैंडल बार, इसको आप फॉक क्लिप-ऑन कह सकते हो। एंड देन इंजन के स्विच, इंजन स्टार्ट बटन, दीज लाइट्स आर बैकलिट हियर, बटन सब बैकलिट आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट है, यू कैन सी इट हियर। द ओनली थिंग इसकी ये जो लाइट है इसका जो थ्रो है बैकलिट जो है कम्प्लीटली कवर नहीं हुआ है, मतलब जैसे यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे वो कलर नहीं है, लाइट नहीं दिख रहा है मुझे। सो दैट इज़ देयर। क्लच गेयर क्लच ब्रेक हो गया फ्रंट का। देन व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज एक और अपडेट है जो चेंज है, ये जो ग्रिप्स है, ग्रिप की जो रबर की क्वालिटी है वो इंप्रूव हो चुकी है हैंड ग्रिप्स की। दिस यू नाउ गेट अ प्रीमियम ग्रिप ऑन दिस वन। सो ये जो ग्रिप है दिस विज नॉट इजीली वेयर आउट इन योर, मतलब कोल्ड हो गया, गर्मी हो गया, वहाँ पे वेयर आउट नहीं होगा, तो अच्छा खासा है, मेंटेन रहेगा। देन अभी हम बात करते हैं अबाउट द फ्रंट कंसोल। तो फ्रंट कंसोल जो है दिस इज योर, यू हैव सो फ्रंट कंसोल टैकोमीटर मिलता है, टैकोमीटर भी एनालॉग रखा, विच इज अमेजिंग, दिस इज व्हाट आई लव ऑन द मोटरसाइकिल। फ्यूल गेज है, टेल टेल लाइट सारे यहाँ पे है, ब्लूटूथ नहीं है, बजाज का लोगो है एंड ब्लूटूथ होना चाहिए था इस बाइक में, इज व्हाट आई फील। देन गैप पोजीशन इंडिकेटर, क्लॉक, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, है इस बाइक में। बाय द वे दिस मोटरसाइकिल इज OBD2 रेडी मोटरसाइकिल है एंड स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी एंड साथ में आपको मिलती है डिस्टेंस टेम्प्टी आपको मिल जाती है। दैट इज व्हाट यू गेट ऑन अ मोटरसाइकिल। अभी हम सुनते हैं गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट कैसा है राइट अवे। Guys, here we have the all new Bajaj Pulsar NS200। आज करते हैं इसका एक क्विक राइड रिव्यू। चाबी जो है कुछ ऐसा दिखता है इसका, सो यू कैन सी इट हियर एंड चाबी डालते हैं, लेट्स स्टार्ट द बाइक राइट अवे। तो एक फुल स्वाइप करती है गाड़ी शुरू करते ही, सो या लेट्स गो ऑन द ट्रैक। ओके, गाड़ी जो है न्यूट्रल में है राइट नाउ, फर्स्ट गियर एंड हियर वी गो। वाओ, द ब्यूटी अबाउट दिस इंजन इज 4500 RPM के आसपास आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार पावर आपको मिल जाती है। सो या लेट्स गो स्ट्रेट। वाओ, लुक एट दिस परफॉर्मेंस मैन, क्या पेरीमीटर फ्रेम है यार इसका, कितना मज़ा आ रहा है बाइक को चलाने के लिए। मतलब लुक एट दिस, ट्रैक के ऊपर बाइक को चलाने का मज़ा ही कुछ और है। यस आई एम, मतलब कम्प्लीटली, मतलब ऐसे मैं रफली नहीं चला रहा हूँ, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू, वाओ लुक एट दिस, अमेजिंग मोटरसाइकिल, अमेजिंग मोटरसाइकिल। गाड़ी का सस्पेंशन जो है अभी अपसाइड डाउन फोक्स हो चुका है, बिकॉज ऑफ विच बाइक की जो कॉर्नरिंग कैपेबिलिटी है वो अच्छा लग रहा है मुझे। इनफैक्ट गाड़ी का जो वेट रेशियो है 49-51 के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है, ऐसे ही कुछ इसका वेट रेशियो बनाया है। तो सामने जो है इट इज लाइट ऑन द फ्रंट, वेर एज द रियर इज स्लाइटली हैवियर व्हेन यू कंपेयर दिस मोटरसाइकिल विद इट्स अदर सिबलिंग ऑफ NS160। वहाँ पे 50-50 रेशियो से डिवाइड हुआ है, लेकिन यहाँ पे वो डिवीजन 49-51 के हिसाब से किया गया है। गाड़ी की जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है इट्स अमेजिंग मैन, अमेजिंग थ्रॉटल रिस्पॉन्स है बाइक का, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। एंड या द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, गाड़ी में सीटिंग पोजीशन कैसी है, मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली बैठा हूँ। मेरी जो पैर है, रियर सेट है, बहुत ज़्यादा रियर सेट नहीं बोल सकता हूँ, उतना ज़्यादा एग्रेसिव फीलिंग नहीं आ रही है, लेकिन इट्स अ लिटिल स्लाइटली रियर सेट ऐसा मुझे लग रहा है ये। एंड हैंडल बार जो है क्लिप ऑन है, लेकिन ये सब होने के बावजूद गाड़ी जो है स्पोर्टी तो लग रहा है, लेकिन डिसकम्फर्ट नहीं है इसमें। सो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ रियली नाइस। गाड़ी के सस्पेंशन जो है स्टिफनेस बढ़ चुकी है, लेकिन सस्पेंशन का ड्राइव अभी भी सेम है, सो आपको खड्डों में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। एंड हियर वी गो, क्विक टर्न मारते हैं, लुक एट दिस मैन, सच अ ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल आई वुड से मैन, सच अ ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे चलाते हुए इस बाइक को, वेरी यू नो काइंड ऑफ नो लव एट हार्ट मोटरसाइकिल मुझे लगती है ये। एंड या शूटिंग चल रहा है यहाँ पे भी, इसमें कैमरा ऑन, या इट इज़ ऑन। तो ये बात करते हुए गाड़ी की जो मिरर्स है, मिरर का जो व्यू है, फील्ड ऑफ व्यू है, थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि मेरा हाथ यहाँ पे दिख रहा है, द फील्ड ऑफ व्यू कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर इज व्हाट आई फील, बट ठीक है। देयर इज नो वाइब्स ऑन द मोटरसाइकिल, वाइब्स आर देयर ऑन द मोटरसाइकिल अराउंड यू नो 7,500-7,000 RPM के आसपास आपको थोड़े बहुत आपको वाइब्स मिलते हैं, फुट पेक्स पे मिलते हैं, लेकिन हैंडल बार्स पे उतने ट्रैवल नहीं हो रहा है वाइब्स। सो दैट इज़ वन थिंग विच आई कुड सी ऑन द मोटरसाइकिल। एंड ये बात करते हुए सस्पेंशन फील रियली नाइस, अच्छा लग रहा है मुझे, काफ़ी एक कंफर्ट दे रहा है। In fact, the seats are very good. Seats are a little on the stiffer side. They are not soft and they are not very hard. आपको बोल सकता हूँ। And ये सब बताने के बावजूद आपको बताना चाहता हूँ कि गाड़ी जो है, गाड़ी की ब्रेकिंग कैसी है। So let's go. I am at around 64 km/h. पीछे कोई नहीं है। Let me apply the front brakes. Look at this. क्या bite है boss? Amazing bite. Amazing bite. Yeah, the low end is kind of missing on a motorcycle, whereas the mid range and top end is wow, just amazing, just punchy. The rear brakes, they are progressive, they are not as bitey as that of the front one. The front ones are amazing. The rear brake का feedback जो है थोड़ा delayed is what I feel, but whereas the front brakes have perfect, very good, you know, true to the point, true to the nature feedback ऐसे मुझे लग रहा है इस बाइक पे। एंड ये बात करते हैं हम लोग चलते आगे, तुरंत मैं ट्रक चेक करता हूँ कि गाड़ी का टर्निंग रेडियस कैसा है इस बाइक का। तो बिना अपने टच पैर को नीचे टच किए मैं यहाँ पे बाइक को घुमाना चाहता हूँ। Let's see how it's gonna feel right now. छोटा रोड है, छोटा रोड में क्या देखोगा, इस बाइक की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है काफ़ी ज़रा मुझे अमेजिंग लग रहा है। सी द थिंग अबाउट दिस बाइक इज़ ना, व्हेन यू सिट ऑन दिस बाइक यू डोंट, जैसे N160 हो गया, N250 हो गया, वहाँ पे आप हग करके बैठते हो बाइक को, वहाँ पे आप बाइक को ना हग करके बैठते हो, लेकिन यहाँ पे आप बाइक को हग नहीं कर रहे हो लेकिन बाइक के ऊपर बैठे हो. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ डिज़ाइन दिस मोटरसाइकिल होल्ड्स, वेयर एज द N160 हैज़ अ कंप्लीट डिफरेंट डिज़ाइन सेटअप टू इट इज़ व्हाट आई फील. दिस गिव्स यू मोर स्पूटी फील इज़ व्हाट आई फील समटाइम्स, ऐसा मुझे लगता है. सो इसका ये था मेरा क्विक राइड रिएक्शन ऑफ मोटरसाइकिल. काइंड ऑफ यू नो एन्जॉयड राइडिंग, उसमें अच्छा लगा मुझे. काफ़ी कूल तो है बाइक ये, एंड इनफैक्ट बाइक की जो गियर एंड क्लच है वो कैसा दिखता हूँ मैं अभी. सो लेट मी go ahead and see. Okay, the gearbox is super duper light, very easy, very to easy to change the gears. कुछ ऐसे false gearing नहीं दिख रहा है मुझे. Whereas when you look at you know the clutch is super duper light on the motorcycle. काफ़ी सही clutch है, काफ़ी सही design है clutch का. I like the clutch design on this motorcycle, and whereas the gearbox is सिंपली परफेक्ट. सामने का जो फ्रंट कंसोल है गाइस, उसका जो विजिबिलिटी है काफ़ी बढ़िया है. मुझे कुछ ऐसे शॉर्ट कमिंग नहीं लग रहा है इन टर्म्स ऑफ द कंसोल का जो विजिबिलिटी है. इनफैक्ट यू नो ये जो सनलाइट है मेरे पीछे पड़ रहा है, लेकिन उस पर भी कुछ दिक्कत नहीं हो रही है. और व्हाट आई कैनॉट सी इज़ द टेल टेल लाइट्स हियर, उस पर विजिबिलिटी में थोड़ा कम लग रहा है बिकॉज आई एम वेयरिंग अ पोलाराइड ग्लासेस. अभी मुझे याद आया, मैं पोलाराइड ग्लास पहन रहा हूँ तो उसकी वजह से मेरे को, लेकिन अगर मैं पोलाराइड ग्लास निकाल देता हूँ तो इसको और भी अच्छे तरीके से देख सकता हूँ मैं, इज़ व्हाट आई फील. सो यस गाइस, ये था मेरा क्विक राइड रिएक्शन ऑफ द मोटरसाइकिल. अभी हम चलते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो. सो गाइस, दिस वाज इट फॉर द वीडियो. मैं आशा करता हूँ कि गाड़ी का जो वीडियो था आपको पसंद आया है. अभी बात करते हैं हम लोग गाड़ी के मुद्दे की बात. लेट्स कंपेयर दिस मोटरसाइकिल विद द अपाचे 200 4V. गाइस, अपाचे में आपको मिलती है स्लिपर क्लच, आपको मिलती है, आपको मिल जाती है एडजस्टेबल लीवर्स, एडजस्टेबल सस्पेंशन, सब कुछ आपको मिल जाता है. लेकिन व्हाट्स मोर एडवांटेजेस ऑन दिस मोटरसाइकिल इज दिस गेट्स यू मोर पावर. साथ में दिस ऑल्सो गेट्स यू बेटर पावर टू वेट रेशियो विद अमेजिंग अपसाइड डाउन फोक्स, बिकॉज ऑफ विच आपका कॉर्नरिंग जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता है. एंड आपको मिलती है पेरीमीटर फ्रेम ऑन मोटरसाइकिल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पेरीमीटर फ्रेम जो है एक काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग फ्रेम है फॉर अ मोटरसाइकिल फॉर यू टू एन्जॉय. काफ़ी ज़्यादा आजाद हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा एक कॉर्नरिंग कैपेबल मशीन हो जाती है ये बाइक. सो वो एक एडवांटेज है इस मोटरसाइकिल का ओवरऑल ऑफ अपाचे. अपाचे में यस बहुत सारे फीचर्स है. अगर आप फीचर ओरिएंटेड पर्सन हो देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद अपाचे, बट अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, प्योर परफॉर्मेंस चाहिए, देन हियर इज द मोटरसाइकिल दैट यू हैव. सो इसका ये था वीडियो मेरा, एक छोटा सा राइड रिव्यू क्विक वॉक अराउंड था. आपको अच्छा लगा है देन लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दो. सो गाइस, एज यूजुअल आई एंड दिस वीडियो विद जय हिंद, वंदे मातरम.